वेलकम टू द लिमिटेड वैलिडिटी लेक्चर ऑफ SRS 4400, जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पूरे SRS को समझेंगे और आपको अक्षय कुमार टेक्निक से ये पूरा SRS मैं आपको याद भी करवाऊंगा, क्लास के क्लास में याद भी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से ऑडिट पढ़ाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन ऑडिट इन मई 2024। आ जाओ सर, आ जाओ फटाफट तरीके से। SRS 4400 का नाम क्या है? एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अक्षय कुमार टेक्निक के साथ अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे SRS को याद करेंगे। सर याद करेंगे, मैंने बोला ठीक है। SRS 4400 का नाम क्या है? पहले तो एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। देखो ये शॉर्ट नोट्स आपको किधर मिलेंगे? ये शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीए शंकर लखमानी टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा। SRS 4400 का नाम पहले मैं आपको याद करवाता हूं, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाना एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म, ऐसा समझना जैसे कि कोई फिजिकल क्लास चल रही हो। एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मेरे को क्या करना है, ऑडिट करना है क्या? मैंने बोला नहीं सर, ऑडिट तो ऐसे में करते हैं। SRS का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिधर मैं क्या करता हूं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करूंगा SRS 4400 में। मैंने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, लेकिन मैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में किस पे करूंगा? तो मैंने बोला फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करना है। मैंने बोला ठीक है सर, अब शुरू करते हैं फटाफट से SRS को। वापस से एक बार नाम याद कर लेते हैं, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर पहली बात, JFU मैंने लिखा है बॉक्स में। सर JFU का मतलब क्या है? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, याद नहीं करना है, मतलब समझना है। देखो सर, जो ऑडिट होता है ना वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे मैं अपना ओपिनियन देता हूं, लेकिन SRS 4400 किस पे लगेगा? इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ FD, FD बोले तो फाइनेंशियल डेटा। ये बढ़िया वाले नोट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे, और ये नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, आज भी आपको इसमें से प्रिपेयर करना है, और लास्ट के 1.5 डेज में भी आप लोगों को इसी नोट्स के साथ क्या करना है, प्रिपेयर करना है, इसी नोट्स के साथ आपको रिवाइज करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, JFU यानी कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा, अकाउंट्स पेबल मैंने एग्जांपल दे रखा है। यानी कि यहां पे SRS में मैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं करता हूं, लेकिन एक इंडिविजुअल आइटम का ऑडिट करूंगा, इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डेटा, एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, RS यानी कि रिलेटेड सर्विस। ये ऑडिटर भी कर सकता है या कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार ऑडिटर ही करे, ऑडिटर कर भी सकते हैं और ऑडिटर नहीं भी कर सकते, इसलिए मैंने दो लगाए, राइट और रॉन्ग। यानी कि ऑडिटर कर भी सकता है रिलेटेड सर्विस, और ऑडिटर नहीं करेगा, कोई और करेगा तो भी चल जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव समझ लो फटाफट तरीके से। अक्षय कुमार टेक्निक जो मैं 2-3 आपको आंसर लर्न करवाऊंगा वो अक्षय कुमार टेक्निक से लर्न करवाऊंगा, तो फटाफट से क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं कराया तो। पहले समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है ना। ऑब्जेक्टिव ऑडिटर प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर परफॉर्म करेगा। देखो ऑडिटर क्या करेगा ना, प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर वो परफॉर्म करेगा, यानी कि रिलेटेड सर्विस में ऑडिट जैसे ही वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, लेकिन क्या वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्म करता है? मैंने बोला नहीं, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वो परफॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल डेटा पे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद प्लस ऑडिटर एंड एंटिटी एंड थर्ड पार्टीज एग्री करेंगे। देखो लिखा हुआ है मैंने एग्री करेंगे, मैंने बोला हाँ ऑडिटर और एंटिटी, एंटिटी यानी कि जिसका वो रिलेटेड सर्विस कर रहा है, यानी कि ये एक ऑडिटर है और ये एंटिटी है, ये एंटिटी का वो रिलेटेड सर्विस कर रहा है, और कोई बाहर की थर्ड पार्टी, ये सब मिलके क्या करेंगे, एग्री करेंगे। इसको तो मैं बोलता हूं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। SRS का नाम क्या था? SRS 4400 engagements to perform agreed upon procedure. तो किसने एग्री करा है, सुन लो, ऑडिटर ने, एंटिटी ने, एंटिटी यानी कि जिस एंटिटी का काम ऑडिटर कर रहा है, और थर्ड पार्टी ने, कोई थर्ड पार्टी ने, तीन जनों ने मिलकर क्या किया है, एग्री किया है। ठीक है, मैंने बोला हाँ। और उसके बाद ऑडिट करता है तो ऑडिटर क्या देता है, ऑडिटर देता है ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन जब वो ऑडिटर रिलेटेड सर्विस करेगा तो वो क्या देगा, रिपोर्ट ऑफ FF, बोले तो रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। क्या देगा ऑडिटर हमारा, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे क्या आता है ना, ऑडिटर ऑडिट नेचर के प्रोसीजर करता है, ऑडिट नेचर यानी कि ऑडिट वाले ही प्रोसीजर करता है, लेकिन वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर आइटम पे करेगा, और ऑडिटर और जिसका काम चल रहा है यानी कि वो एंटिटी और कोई थर्ड पार्टी सब मिलकर एग्री करेंगे, और ऑडिटर इश्यू करेगा रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग। ठीक है, मैंने बोला। अगर आपको एक बात बताओ
तो ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, लेकिन रिलेटेड सर्विस में नो एश्योरेंस, यहां पे कोई भी एश्योरेंस नहीं होता, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी बोला जाता है हमारे रिलेटेड सर्विस को। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी तरह का एश्योरेंस नहीं होता, यहां पे कोई भी तरह का ओपिनियन नहीं होता। तो सर होता क्या है, ऑडिट रिपोर्ट की जगह इधर क्या होती है, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। यहां पे जो यूजर्स है ना, यूजर्स यानी कि जो वो रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, वो खुद ही असेस कर लेते हैं। देखो, यूजर्स असेस देमसेल्स क्या फैक्चुअल फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिटर एंड ड्रॉ ओन कंक्लूजन्स। यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है ना, जनरली जब अपन ऑडिट करते हैं तो ऑडिटर अपने कंक्लूजन्स देता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, लेकिन यहाँ पे जो यूजर्स है ना, जो उन फाइनेंशियल्स को पढ़ रहे हैं, वो लोग खुद ही वो फैक्चुअल फाइंडिंग्स में से अपने खुद के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, उसके बाद एक लाइन लिखी, देखो मैंने इधर, ये रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट होती है। देखो, रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट यानी इसको कौन यूज करेगा, खाली वही यूज करेगा जिन लोगों ने एग्री करा है। देखो यहां पे मैंने एरो बनाया है, कौन इसको यूज करेगा, जो इस पे एग्री कर रहा है। तो इस पे कौन एग्री कर रहा था, ऑडिटर जो कि काम कर रहा है, एंटिटी यानी कि जिसका काम किया जा रहा है, वो एंटिटी जिसका काम ऑडिटर कर रहा है, और थर्ड पार्टी, ये तीन जनों ने मिलकर एग्री किया था ना। तो रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट इन लोग के यूज के लिए, ये बाकी बाहर ये रिपोर्ट नहीं जाएगी। मैंने बोला ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर परफॉर्म करता है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल्स पे नहीं करेगा, एक आइटम ऑफ फाइनेंशियल डेटा पे करेगा, प्लस ऑडिटर और एंटिटी और थर्ड पार्टी एग्री करेंगे और ऑडिटर रिपोर्ट देगा फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में। यहाँ पे कोई भी प्रकार का एश्योरेंस नहीं जाता है, कोई भी प्रकार का ओपिनियन नहीं जाता है, इसलिए मैं इसको नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलता हूँ। यूजर्स जो है ना, वो क्या करेंगे, अपना खुद का कंक्लूजन निकालेंगे वो रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स देख के, और ये रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट रहेगी। मैंने बोला ठीक है। आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था, अकाउंट्स पेबल, यहाँ पे पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट नहीं होता, लेकिन एक आइटम का होता है अकाउंट्स पेबल। तो क्या करता हूं ना मैं, देखो मैंने दो एग्जांपल दिए हुए, मैं कैसे एक पर्टिकुलर आइटम को टेस्ट करूंगा। मैंने क्या बोला, इधर मेरे को पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स को टेस्ट नहीं करना होता, एक पर्टिकुलर आइटम को टेस्ट करना होता है। तो कैसे करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा सप्लायर का नाम और सप्लायर का अमाउंट ट्रायल बैलेंस से, या तो फिर मैं ऐसे 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लूंगा। यानी कि मैं जो भी प्रोसीजर लगाऊंगा मैं पर्टिकुलर आइटम पे लगाऊंगा, मैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स पे नहीं लगाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। अगला टॉपिक मेरा आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। यहाँ पे जो मैंने एयूपी लिखा है, एयूपी का मतलब है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, तो देखो कोड ऑफ एथिक्स जो कि आईसीआई का होता है, वो आपको जनरल प्रिंसिपल्स कुछ बताता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। देखो यहाँ पे डीसी लिखा है ना, उसका मतलब है ड्यू केयर। यहाँ पे जो लिखा है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ये क्या होते हैं, सारे के सारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं होता, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। यानी कि जो हमारा ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो चलेगा। देखो लिखा हुआ है इधर, क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, नो इंडिपेंडेंस इन लोगों ने, यानी मैंने ही नोट्स बनाए। तो क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे कोई भी प्रकार की इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि एश्योरेंस तो है नहीं, यहाँ पे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ओपिनियन की जरूरत नहीं है, तो इंडिपेंडेंस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर, तो देखो उसमें से मैंने दो एरो कर रखे, टर्म्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट बोले तो फिर इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और अगर तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रह रहे हो ना, तो स्टेटमेंट दे देना इन रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, यानी कि जो रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स बनेगी ना ऑडिट रिपोर्ट की जगह पर, उसमें एक लाइन लिख देना कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी ऑडिटर क्या लाइन लिखेगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। तो क्या मैंने बोला, यहाँ पे इंडिपेंडेंस की जरूरत है क्या, मैंने बोला नहीं है। लेकिन बाकी सारे कोड ऑफ एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं है। लेकिन टर्म्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट बोलेंगे, अगर टर्म्स बोलेंगे तो मेरे को इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और दूसरा बात, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं ना, तो रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स में एक लाइन लिख दूंगा, एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि भाई साहब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। ठीक है, मैंने बोला हां। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। कौन से हैं सर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एसआरएस के? पहला, मैटर्स टू बी एग्रीड, कौन से मैटर्स पे एग्रीमेंट अपने को लेना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो कौन से मैटर पे मेरे को एग्री होना पड़ेगा, तो सर सैंडी के मैटर पे मेरे को एग्री होना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने हाउसफुल 3 देखी थी अक्षय कुमार की, तो उसमें उसका नाम था सैंडी, याद आया आपको, सैंडी सुंडी ऐसा करता था वो। मैंने बोला हाँ, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, अक्षय कुमार टेक्निक बोलता हूं। ये SRS 4400 में को पूरा का पूरा अक्षय कुमार टेक्निक से याद रखना है, कौन से मैटर्स पे मेरे को एग्री करना है, सैंडी के मैटर्स पे मेरे को एग्री करना है। सैंडी बोले तो अक्षय कुमार हाउसफुल 3 वाला। मैंने बोला ओके, तो पहला किस मैटर पे मैं एग्री करूंगा, देखो ये रहा,
स्टेटेड पर्पज ऑफ एंगेजमेंट, स्टेटेड पर्पज ऑफ एंगेजमेंट का क्या मतलब है, यानी कि एंगेजमेंट को करने का क्या पर्पज है, ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करने का पर्पज क्या है, उसका मकसद क्या है। तो स्टेटेड पर्पज ऑफ एंगेजमेंट मेरा पहला क्या है, पहला पॉइंट है। उसके बाद देखो ए फॉर ऑडिट, यहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्या मेरे को बताना है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, नेचर ऑफ एंगेजमेंट यानी कि एंगेजमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा एंगेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का है। प्लस फैक्ट, क्या फैक्ट, देखो ये फैक्ट कि जो प्रोसीजर्स है ना वो ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, एश्योरेंस नहीं है, ये ना तो ऑडिट है ना तो रिव्यू है, और इसलिए मैं यहाँ पे एश्योरेंस भी नहीं दे रहा हूं, ऑडिट भी नहीं है, रिव्यू भी नहीं है, एश्योरेंस भी नहीं है, ठीक है, मैंने बोला। हाँ अभी तक अगर आपको पसंद आ रहे तो फटाफट से लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट कर देना, ठीक है, मैंने बोला। हाँ सुन लो, नेचर ऑफ एंगेजमेंट यानी कि ये एंगेजमेंट क्या है, प्लस फैक्ट, फैक्ट क्या है ना कि जो प्रोसीजर्स है ना वो ना तो ऑडिट है ना तो रिव्यू है ना तो एश्योरेंस है, मैंने बोला ओके। फिर एन फॉर, एन फॉर एनटीई ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, देखो इधर लिखा हुआ है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर, जो भी मैं स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज कर रहा हूं ना एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए, उसका नेचर क्या है, उसका टाइमिंग क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है, मैंने बोला ठीक है। फिर सेंडी में डी फॉर लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग, ये डी आई एस टी एन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एल आई एम एन मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, लिमिटेशन, मैं लिमिटेशन लगाऊंगा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, क्यों सर मैं लिमिटेशन लगा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो देखो ऊपर आओ, मैंने क्या बोला था ऑब्जेक्टिव में कि ये रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट है, जो कि किन लोगों के लिए, खाली जिन लोगों ने एग्री किया, यानी ऑडिटर के लिए, एंटिटी के लिए और थर्ड पार्टी के लिए, तो मेरे को लिमिटेशन लगाना पड़ेगा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, वही बात मैंने इधर करी है, ये फिफ्थ वाले पॉइंट में लिमिटेशन लगाऊंगा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग, लेकिन 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 लॉ के सामने आज तक किसी की नहीं चली, ये बात को ध्यान रखना, तो अगर तो वो लिमिटेशन कंफ्लिक्ट में होगी विद लीगल रिक्वायरमेंट तो ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ऐसे काम को, क्या बोल रहा हूं, अगर तो वो लिमिटेशन कंफ्लिक्ट में होगी किससे, लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट को, लॉ को वो फुलफिल नहीं करेगी तो ऑडिटर ऐसे काम को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो ये क्या था सेंडी का डी, और फिर एंड में क्या आता है आई, आई यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो अपने एग्जाम्पल में क्या था अकाउंट्स पेएबल, इधर पता है ना अपने को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं करना पड़ता है, एक आइटम को चेक करना पड़ता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूं, तो मैंने बोला कौन से मैटर्स पे अपन लोग एग्री करेंगे, मैंने बोला अक्षय कुमार के मैटर्स पे, सेंडी के मैटर पे, हाउसफुल 3 पे जो सेंडी था उसके मैटर पे मैं एग्री करूंगा। एस फॉर स्टेटेड पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट को करने का मकसद क्या है, एंगेजमेंट को करने का पर्पस क्या है। ए फॉर ये ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, एश्योरेंस नहीं है, यानी कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट पहले तो बताऊंगा ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है। प्लस फैक्ट कि ये जो प्रोसीजर्स है ना ये ना तो ऑडिट है ना तो रिव्यू है ना तो एश्योरेंस है। फिर एन फॉर एनटीई ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, एनटीई ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, एनटीई ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। फिर डी फॉर लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, ये रिपोर्ट सबके लिए नहीं है, ये खाली उन लोग के लिए जिन लोगों ने एग्री किया है, लेकिन अगर तो ऐसा कोई लिमिटेशन लॉ को कन्फ्लिक्ट करेगा तो ऑडिटर ऐसे काम को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है। अब आओ प्रोसीजर्स, जो हमारा अक्षय कुमार है ना वो ओरियो के बिस्किट के एड में आता है, इतना बात ध्यान रखो, अक्षय कुमार किसमें आता है, ओरियो के बिस्किट के एड में आता है, तो प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, ओरियो बिस्किट, प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, ओरियो बिस्किट, ओ आर आई आई ओ, ओ आर आई आई ओ, ओ आर आई आई ओ। पहला क्या है, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, मेरे साथ साथ रिपीट करो जैसे कि अपन कोई फिजिकल क्लास में बैठे हो, ऑब्जर्वेशन, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। आर फॉर रिकम्प्यूटेशन कंपैरिजन एंड क्लरिकल एक्यूरेसी चेक्स, रिकम्प्यूटेशन कंपैरिजन एंड क्लरिकल एक्यूरेसी चेक्स, रिकम्प्यूटेशन कंपैरिजन एंड क्लरिकल एक्यूरेसी चेक्स, ठीक है, मैंने बोला। हाँ आई फॉर इंस्पेक्शन, आई फॉर इंस्पेक्शन, आई फॉर इंक्वायरी एंड एनालिसिस, आई फॉर इंक्वायरी एंड एनालिसिस, और एंड में ओ फॉर ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, तो ओरियो बिस्किट, ठीक है, मैंने बोला हाँ ये प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, तो ओ फॉर क्या लगेगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। आर फॉर रिकम्प्यूटेशन कंपैरिजन एंड क्लरिकल एक्यूरेसी चेक्स, आई फॉर इंस्पेक्शन, आई फॉर इंक्वायरी एंड एनालिसिस, ओ फॉर ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, तो ये प्रोसीजर्स लगाएगा हमारा ऑडिटर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करने के लिए, ओरियो बिस्किट। अक्षय कुमार किसके एड में आता है, तो मैंने बोला ओरियो बिस्किट के एड में आता है, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, आर फॉर रिकम्प्यूटेशन कंपैरिजन एंड क्लरिकल एक्यूरेसी चेक्स, आई फॉर इंस्पेक्शन, आई फॉर इंक्वायरी एंड एनालिसिस, और ओ फॉर ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन। उसके बाद पॉइंट आता है रिपोर्टिंग, यानी कि जो रिपोर्ट बनेगी फैक्चुअल फाइंडिंग्स की, इधर मैंने आपको बोला था ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, लेकिन इधर क्या बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनेगी, रिपोर्ट बनेगी फैक्चुअल फाइंडिंग्स की। तो देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और लास्ट के 3 पॉइंट जो है ना वो कॉमन है और बाकी पॉइंट स्पेसिफिक है। देखो यहां पे मैंने
यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू और लास्ट के थ्री क्या है ना, वो कॉमन है, और बाकी के जो पॉइंट्स है ना वो हमारे स्पेसिफिक पॉइंट्स है। तो मैंने बोला सर कैसे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्टिंग इधर मैं किसकी बात करूंगा, फैक्चुअल फाइंडिंग्स के रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहले दो पॉइंट तो हमेशा कॉमन आएंगे, टाइटल आता ही हर रिपोर्ट में, एड्रेस ही आता ही है। एड्रेस यानी कि रिपोर्ट किसके लिए बनाई जा रही है, तो इसके लिए क्या होगा, एड्रेस ही, इसके लिए होगा हमारा एड्रेस ही। अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि जिस बंदे ने हमको अपॉइंट किया है वो हमारा क्या होगा, एड्रेस ही। तो टाइटल और एड्रेस ही ये तो कॉमन होता है, टाइटल यानी कि रिपोर्ट का टाइटल और एड्रेस ही यानी कि किसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। अब आखिरी के जो तीन पॉइंट होते हैं वो कॉमन होते हैं, कौन से तीन पॉइंट, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर। ये आपको हर रिपोर्ट के एंड में आखिरी में ये तीन पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये आखिरी के तीन पॉइंट भी क्या है, कॉमन है, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर। तो सर जो बीच के पॉइंट है ना वो बीच के पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट है, कौन से हैं सर वो बीच के पॉइंट, आओ उसको अपन समझते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अप्लाइड। आइडेंटिफिकेशन में कर रहा हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिस पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को मैं अप्लाई कर रहा हूं, टू विच एयूपी अप्लाइड, एयूपी यानी कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अप्लाइड। तो अपने एग्जांपल में क्या था, अकाउंट्स पेएबल पे अपन अप्लाई कर रहे थे, जो अपने ऊपर एग्जांपल देखा था अकाउंट्स पेएबल पे हम लोग अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद स्टेटमेंट में एक लिखूंगा एसटी यानी कि स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट लिखूंगा कि प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड जो कि एग्रीड अपॉन है विद रिसिपिएंट, रिसिपिएंट यानी कि जिसको वो रिपोर्ट मिल रही है, तो ऐसे प्रोसीजर जो कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं वो एग्रीड अपॉन है रिसिपिएंट के साथ, किसके साथ एग्रीड अपॉन है, वो रिसिपिएंट के साथ यानी जिसको वो रिपोर्ट मिल रही है उसके साथ हमने एग्री कर रखे। फिर स्टेटमेंट की एंगेजमेंट जो था ना एज पर एसआरएस था, यानी कि स्टेटमेंट की जो एंगेजमेंट मैंने किया था वो फालतू में हवा में नहीं किया था, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस के हिसाब से किया था। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस यानी कि इसको करने का मकसद क्या था, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स यानी कि ऑडिटर ने कौन से प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद एफएफ प्लस डिटेल्स ऑफ ईई, एफएफ तो आपको पता है जो ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स देता है ना, तो एफएफ का मतलब है फैक्चुअल फाइंडिंग्स प्लस डिटेल्स ऑफ ईई, ईई यानी कि कोई एरर या एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या दूंगा मैं, फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में बात करूंगा और एरर और एक्सेप्शन तो नहीं है उसके बारे में बात करूंगा, एफएफ यानी कि फैक्चुअल फाइंडिंग्स, ईई यानी कि कोई एरर या एक्सेप्शन। उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि ये ना तो ऑडिट है ना तो रिव्यू है, ना ही ये क्या है, एश्योरेंस है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है ना तो ये ऑडिट है ना तो ये रिव्यू है ना तो एश्योरेंस है। उसके बाद स्टेटमेंट कि हेड ऑडिटर परफॉर्म्ड एपी, एपी यानी कि एडिशनल प्रोसीजर्स, या तो फिर हेड ऑडिटर परफॉर्म्ड ऑडिट, या तो फिर हेड ऑडिटर परफॉर्म्ड रिव्यू, तो अदर मैटर्स लाइट में आते जिसको मैं रिपोर्ट करता, ठीक है। मैंने बोला हाँ, क्या स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट हेड द ऑडिटर परफॉर्म्ड एपी ऑडिट रिव्यू, तो कोई अदर मैटर्स लाइट में आते जिसको तो ऑडिटर क्या करता, रिपोर्ट करता, देखो आपने लिखा है। उसके बाद स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट है ना रिस्ट्रिक्टेड है, पेज नंबर वन, किसको रिस्ट्रिक्टेड है, जिन लोगों ने एग्री किया है, एंटिटी, ऑडिटर और थर्ड पार्टी। मैंने बोला ठीक है। फिर एक और स्टेटमेंट कि ये जो है ना ये ओनली फॉर एलिमेंट्स, अकाउंट्स, आइटम्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड पे, जैसे कि अपने एग्जांपल में अकाउंट्स पेबल के लिए थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के लिए नहीं है, देखो उसने मैंने उधर क्रॉस मार्क कर रखा है, यहां पे ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के लिए नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ रिपोर्ट और ऑडिटर सिग्नेचर, जो कि क्या होती है, कॉमन कॉमन होती है, ठीक है। मैंने बोला हाँ, अभी ये जो है ना आपको रिपोर्टिंग, ये आपको अगर 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बताए 15 पॉइंट है तो 15 मार्क का क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, 4-5 के पॉइंट में, मतलब 4-5 आपको 4-5 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, तो जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना आप उसमें से कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट अपनी मर्जी से 5-6 पॉइंट लिख सकते हो। मैंने बोला ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्या है रिपोर्टिंग, टाइटल, टाइटल यानी कि जो रिपोर्ट का हेडिंग होता है वो, एड्रेस ही यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसने अपॉइंट किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि अपने केस में अकाउंट्स पेएबल, स्टेटमेंट के जो प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म किए वो एग्रीड अपॉन है विद रिसिपिएंट यानी कि जिसको रिपोर्ट मिल रही है उसके साथ मैंने एग्री किया है, स्टेटमेंट की मेरा एंगेजमेंट हवा में नहीं था एसआरएस के हिसाब से था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस यानी कि मकसद क्या है ये काम को करने का, लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर यानी कि ऑडिटर ने कौन से प्रोसीजर लगाए हैं, FF और details of EE, FF यानी कि factual findings और details of EE यानी कि error और exception की details। फिर ये statement की ये ना तो audit है ना तो review है ना ही assurance है। Statement के अगर तो auditor ने additional procedure perform किए होते या auditor या तो फिर उसने audit perform किया होता या तो फिर उसने review perform किया होता तो कुछ other matters मेरे को मिलते जो कि मैं report करता। Statement के report मेरी restricted है,
स्टेटमेंट की ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लग रहे हैं खाली एक एलिमेंट को, एक अकाउंट को, आइटम को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, लेकिन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं लग रहे। डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट आ रहा है, क्या क्या चीजें मेरे को डॉक्यूमेंट करनी है। तो इंपॉर्टेंट मैटर्स मेरे को डॉक्यूमेंट करने हैं, ये एविडेंस यानी कि ये सबूत मेरे को डॉक्यूमेंट करना है कि एंगेजमेंट SRS के हिसाब से है और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को मेरे को डॉक्यूमेंट करके आना है। ऑब्वियसली बात है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो इतना छोटा सा नहीं आएगा, समझने के लिए खाली क्या है इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या क्या है। एविडेंस के भैया जो एंगेजमेंट है वो हवा में फॉलो नहीं किया है, SRS के हिसाब से मैंने किया है और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इन चीजों को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर और कमिटमेंट करना, दैट आई विल डेफिनेटली स्कोर 70% ऑडिट मे 2024। और वीडियो को लाइक कर देना फटाफट तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।